हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? तो कैसे आप सब? तो आज हम बात करेंगे सेल्स एजेंट के बारे में। सेल्स एजेंट कौन होता है, उसको हम किस तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं, उसकी मेरिट्स क्या होंगी, उसकी डीमेरिट्स क्या होंगी। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि क्या चीज़ें रिक्वायर रहती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, रिक्वायरमेंट इन एक्सपोर्टिंग समथिंग। तो वो चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टडी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग की सेकेंड यूनिट हमारी ये चल रही है। सेलिंग अ प्रोडक्ट थ्रू एन ओवरसी एजेंट इज़ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। सेल्स एजेंट आर अवेलेबल ऑन कमीशन बेसिस फॉर एनी सेल्स दे मेक। द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग एन ओवरसीज सेल एजेंट इज़ दैट यू गेट द एडवांटेजेस ऑफ देयर एक्सपेंसिव नॉलेज ऑफ द टारगेट मार्केट। सेल एजेंट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू एन एक्सपोर्टर इन द मैटर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ द अकोमोडेशन अपॉइंटमेंट विद द गवर्नमेंट एज एंड वेन रिक्वायर्ड। इट इज़ देयर फॉर असेंशियल दैट वन शुड वेरी केयरफुल सिलेक्ट ओवरसीज एजेंट। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप में से कोई भी बंदा जो ट्रेडिंग करता है तो उसको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि कॉल आते हैं। कोई भी इंसान कॉल करके आपको बोलता है कि भाई आपको हम बेस्ट ट्रेडिंग एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाएंगे, हम बताएंगे कि आपको इसके अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसी तरीके से बहुत से सेल्स एजेंट होते हैं जो आपको एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या चीज़ अभी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसको मार्केट के बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं और उसको आपको कमीशन पे करना पड़ता है कि भाई हाँ कि आपने अगर हम वो चीज़ बताई और वो चीज़ हमारी रन की है तो आपको कमीशन मिलेगा। और अच्छे से वो सही पूरी उसको मार्केट की नॉलेज होती है कि हाँ ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, उसके बाद ही आपको एक्सपोर्ट करने की वो बताता है कि ये चीज़ अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। मेरिट्स ऑफ अपॉइंटिंग अ सेल्स एजेंट, क्या मेरिट्स रहेंगे सेल्स एजेंट को अपॉइंट करने के लिए। सेल्स एजेंट अवॉइड द रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग टाइम एंड पेरोल कॉस्ट ऑफ यूजिंग ओवर एम्प्लॉयज टू एंटर एन ओवरसी मार्केट। सेल्स एजेंट को कोई भी आपको ट्रेनिंग टाइम प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको पता होता है कि मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, मार्केट के अंदर क्या चीज़ें रन कर रही हैं, तो आपको वो बेस्ट एडवाइस देगा कि आपको ये चीज़ एक्सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में मार्केट के अंदर, इसकी डिमांड है और लोग उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आप ये चीज़ अगर भेजेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। एन एजेंट इज बेटर ऑप्शन टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन ओवरसीज एक्सपोर्ट मार्केट। एक एजेंट को बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या चीज़ बेनिफिशियल रहेगी एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको ये पता होता है कि आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल रहेगी, क्या आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी प्रोवाइड करवा सकती हैं, कि अभी मार्केट के अंदर डिमांड किस चीज़ की और वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो एक एजेंट आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा। An agent already have solid relationship with potential buyer, hence it saves the time of exporter to build open contacts. Agent को बहुत अच्छे से उसके contact बने होते हैं, relationship उसके साथ पहले ही buyers के साथ होते हैं, तो उसको exporter को कोई भी contact ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक agent को appoint करते तो agent अपने आप बताएगा कि ये buyer सही रहेगा और ये buyer suitable है, वो अपने आप बायर्स के बारे में आपको बताएगा। एन एजेंट अलाउज एन एक्सपोर्टर टू मेंटेन मोर कंट्रोल ओवर मैटर सच एज फाइनल प्राइस एंड ब्रांड मैनेजमेंट कंपेयर्ड विद द अदर इंटरमीडिएटर ऑप्शन ऑफ यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर। एजेंट बहुत अच्छे से आपको बता सकता है, मेंटेन करेगा कि आपको क्या प्राइस रखना चाहिए, आपकी ब्रांड इमेज आप किस तरीके से बना सकते हैं, ब्रांड इमेज आपकी कैसी है, क्योंकि उसको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता होता है कि अभी इस चीज़ का प्राइस ये चल रहा है, इस चीज़ का प्राइस ये चल रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से वो बताएगा कि ये सुटेबल प्राइस रहेगा आपके ब्रांड के लिए, तो वो चीज़ आपको बेनिफिशियल प्रोवाइड करवाता है एक एजेंट। अब अगर किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी होती होती हैं भाई, हर इंसान के अंदर होती है, हर चीज़ के अंदर होती हैं। डीमेरिट्स ऑफ अपॉइंटिंग एंड सेल्स एजेंट, देर आर ऑल्सो सर्टेन डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद अपॉइंटिंग ए सेल्स एजेंट फॉर एक्सपोर्ट पर्पज विच आर एज फॉलो। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी सेल्स एजेंट को अपॉइंट करने के लिए, अगर एक नॉर्मल सी चीज़ हम लगाते हैं, अगर हम कोई भी चीज़ हमें कोई भी चीज़ सजेस्ट की जाती है तो हम उस चीज़ को परचेज करने में थोड़ी चीज़ सोचते हैं, हमें लगता है कि अगर ये चीज़ कोई बता रहा है, इतनी अच्छाइयाँ किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो ये इस चीज़ में कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी, ये हमारी थिंकिंग है, ये ह्यूमन बिहेवियर है।
आफ्टर सेल सर्विसेज कैन बी डिफिकल्ट व्हेन सेलिंग थ्रू एन इंटरमीडिएटर। आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना इंटरमीडिएटर के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क भी हो सकता है, देयर इज अ रिस्क फॉर एक्सपोर्टर टू लूज सम कंट्रोल ओवर मार्केटिंग एंड ब्रांड इमेज। रिस्क रहता है एक्सपोर्टर के लिए कि वो अपनी ब्रांड इमेज को खो दे, मार्केट के अंदर कंट्रोल ना बना रहे, क्योंकि वो किसी एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, उसको नहीं पता कि वो किस तरीके का एजेंट है, नहीं पता उसको सारी चीज़ों के बारे में। तो हम ये जानेंगे सबसे पहले कि हम किस तरीके से एक एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी का क्या साइज है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी कब बनाई गई, फाउंडेशन कब हुई उसकी, कितनी पुरानी कंपनी, कितने सालों से रन कर रही है। देन कंपनीज ओनरशिप एंड कंट्रोल देखें, कंपनी को कौन ओनरशिप, मतलब उसका ओनर कौन है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। कंपनी की कैपिटल फंड्स को हम देखेंगे, अवेलेबल उसकी लाइबिलिटीज को हम चेक करेंगे कि कितनी लाइबिलिटीज कंपनी के पास हैं, फंड्स उसके पास कितने, कितना पैसा वो कमा रही है। क्योंकि देखो कंपनियां बहुत सी ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म से चल रही हैं, बट हमें नहीं पता था कि उसके पास लाइबिलिटीज कितनी, वो कितना पैसा कमा रही, कितना नहीं कमा रही है, वो चीज़ भी हम चेक करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि नेम, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है कंपनी का या नहीं है, कौन है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस बंदा जो अगर चीज़ बताएगा वो सही ही होगी। नेम एज एन एक्सपीरियंस एंड द कंपनी सेल्स मैन हम देखेंगे, उसका सीनियर एग्जीक्यूटिव देखेंगे। अदर एजेंसीज दैट द कंपनी होल्ड्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द कंपीटिंग प्रोडक्ट्स एंड टर्नओवर ऑफ ईच, और जो एजेंसीज हैं उनका देखेंगे, उनका टर्नओवर देखेंगे। लेंथ ऑफ द कंपनी एसोसिएशन विद अदर प्रिंसिपल्स, कंपनी की जो प्रिंसिपल्स हैं एसोसिएशन है उस चीज़ को चेक करेंगे, उसकी लेंथ को चेक करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे न्यू एजेंसीज दैट द कंपनी ऑब्टेंड और लॉस्ट ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, कोई भी नई एजेंसी है वो उन्होंने ऑब्टेंड की है या उन्होंने खो दी है पिछले साल के अंदर। ये कंपनीज टोटल एनुअल सेल्स एंड द ट्रेंड्स इन इट सेल्स इन रिसेंट ईयर, कंपनी की टोटल एनुअल सेल क्या रही है, क्या क्या ट्रेंड्स आए हैं रिसेंट ईयर के अंदर, कंपनी सेल्स ओवर एज ओवरऑल एंड बाय एज, कंपनी की ओवरऑल आपकी एवरेज क्या रही है, नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स पर मंथ एंड पर सेल्समैन बाय कंपनी स्टाफ, कितने सेल्स कॉल पर मंथ होते हैं कंपनी के, एंड सेल्स बाई कंपनी स्टाफ, कितने सेल किए जाते हैं कंपनी के स्टाफ के थ्रू, वो चीज़ हम चेक करेंगे। एनी मेजर ऑब्स्टेकल एक्सपेक्टेड इन द कंपनी सेल्स ग्रोथ, कोई भी मेजर ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब कहता है अड़चन, कोई भी अड़चन आपने देखी हो सेल्स ग्रुप के अंदर, आपने जो मेजर की हो। देन एजेंट कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, उसके बाद हम एजेंट की कैपेबिलिटी देखेंगे कि वो किस तरीके से आपको सेल्स प्रमोशन प्रोवाइड करवाता है एंड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज आपको किस तरीके से प्रोवाइड करवाता है। एजेंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हम देखेंगे कि वो कहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी, एजेंट रेट ऑफ कमीशन पेमेंट रेट टर्म्स रिक्वायर्ड, एजेंट का क्या रेट रहेगा, कितना वो कमीशन लेगा, पेमेंट्स टर्म रिक्वायर्ड जो भी है वो सब चीज़ें हम देखेंगे। देन रेफरेंस ऑन द एजेंट फ्रॉम बैंक ट्रेड एसोसिएटेड एंड मेजर बायर्स, उसके बाद रेफरेंस देखेंगे एजेंट हमारा किस बैंक से है या किस चीज़ से है, एंड ट्रेड एसोसिएटेड मेजर बायर्स उसके कौन से हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया कि सेल्स एजेंट कौन होता है, सेल्स एजेंट को हम किस तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं, ये उसकी प्रोसेस थी भाई, अपॉइंटमेंट हम हर एक चीज करके करेंगे भाई, स्टेटस उसकी जो भी सेल्स प्रोसेस है या फिर वो कितना कमीशन लेगा हर चीज़ को, उसकी मेरिट्स क्या होंगी, उसकी डीमेरिट्स क्या होंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।